नमस्कार मित्रों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्क्स। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल वर्क्स चैनल पे। तो फ्रेंड, आप लोग को याद ये होगा, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के आप लोग को बताया था कि रियलमी और शाओमी ने कैसे अपना फ़ोन का प्राइस दोबारा बढ़ाया। मतलब कि एक बार जब GST का प्राइस इंक्रीज हुआ था तो तभी सारे फ़ोन की कंपनियों ने दाम बढ़ाया था, लेकिन Xiaomi और Realme ने जो दोबारा फ़ोन का प्राइस बढ़ाए, लेकिन अब हद हो गया। Xiaomi ने इस बार 3 बार लगातार फ़ोन का प्राइस बढ़ा दिया। मैं बात कर रहा हूँ Redmi 8 के बारे में। पहले Redmi 8 का प्राइस था 8,000, फिर इसका प्राइस हुआ 9,000 जब GST का प्राइस इंक्रीज हुआ, और कुछ दिन पहले ये प्राइस था 9,300, फिर अब ये प्राइस बढ़ के हो गया 9,500। तो आप लोग ही बताइए, 9,500 में आदमी Redmi 8 फ़ोन क्यों लेगा? तो मैं कुछ कंपैरिजन करके बता देता हूँ आप लोग को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो देखिए, 9,000 के रेंज में और दो फ़ोन आता है। सबसे पहले है मोटोरोला का मोटो G8 पावर लाइट, फिर आता है Realme का C3। तो चलिए, अब मैं तीनों फोन में कुछ कंपैरिजन करके आप लोग को बता देता हूँ। तो मैं बैटरी की बात करूँ तो तीनों में हम लोग को 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। मैं कैमरा की बात करूँ, Redmi 8 में 12+2 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है और 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर मैं Realme C3 की बात करूँ तो इस फोन में 12+2 MP का रियर कैमरा मिलता है और 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। मैं मोटरोला का मोटो G8 पावर लाइट की बात करूं तो इस फोन में 16+2 MP का रियर कैमरा मिलता है प्लस 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कंपैरिजन किया तो लगभग लगभग फीचर्स तीनों में बराबर है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो Redmi 8 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन के तरफ से आने वाला 439, Realme C3 में मिलता है आपको MediaTek के तरफ से आने वाला लेटेस्ट G70, और Motorola का G8 पावर लाइट में आपको MediaTek का P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और मैं वेरियंट की बात करूँ तो तीनों ही फ़ोन में 4GB+64GB का सपोर्ट मिलता है। अब मैं आ जाता हूँ कौन सा लेना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने सारा लगभग लगभग फीचर्स बता दिया। तो Redmi 8 का तो अब दाम बढ़ के 9,500 हो चुका है। अब आदमी क्यों ना ले मोटोरोला वाला फ़ोन या फिर ये Realme का C3। Realme C3 में आपको सबसे अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है, मोटोरोला में आपको कुछ अच्छा कैमरा भी मिलता है उसमें, क्योंकि 16+2 MP का फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है। तो देखिए, पहले जो था Xiaomi ने अपना भरोसा जीता था जनता से, लेकिन अब इसका विपरीत जा रहा है। ये Realme भी कर रहे हैं, Realme और Xiaomi ने भी अपना फोन का प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी देखिए, Xiaomi अपना फोन का प्राइस बढ़ा देगा तो जनता क्यों ले Xiaomi का फोन, क्यों नहीं अदर कोई कंपनी का फोन ले, क्यों नहीं सैमसंग का फोन ले? क्योंकि अभी चल रहा है मेक इन इंडिया, तो सैमसंग भी मेक इन इंडिया तो नहीं है, लेकिन ये चाइना का भी नहीं है। तो आप लोग ही सोचिए, मैं कोई विरोध नहीं करता Xiaomi या Realme का, मुझे खुद भी पसंद है। मैं Realme का खुद फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मैंने पहले Redmi का भी फ़ोन यूज़ किया है। तो ऐसा Xiaomi करते जाएगा तो Xiaomi का जो फ़ोन है इंडिया में नहीं बिकेगा, मतलब नहीं चलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग लेंगे, लेकिन उसका जो ग्राफ है लगातार नीचे आते रहेगा। अगर मैं बात करूँ Xiaomi के और फ़ोन का, Redmi Note 8, उसका भी 11,500 दाम हो गया, या फिर Redmi Note 8 6GB 128GB वाले वेरिएंट की बात करूँ तो उस फ़ोन का भी 16,000 दाम हो गया, या फिर Redmi Note 8 Pro की बात करूँ तो उस फ़ोन का भी प्राइस अभी 16,000 है। तो भैया, उस प्राइस रेंज में कोई और फ़ोन क्यों नहीं ले? और उस प्राइस रेंज में बहुत सारे फ़ोन हैं, Redmi का Note 9 Pro Max है, या फिर Redmi Note 9 है, या फिर Realme 6 है, बहुत सारे फ़ोन है। लेकिन किस हिसाब से Xiaomi ने अपना फ़ोन का प्राइस बढ़ाया है, जो कि फ़ोन पुराना हो चुका है, फिर भी उन्होंने अभी तक दाम बढ़ाए रखा है। तो ऐसा करते जाएंगे Xiaomi और Realme वाले, ज़रूर उनका ग्राफ नीचे आता जाएगा। तो फ्रेंड, बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करें। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज करें, मैं दोनों जगह रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।